जनपद के 50 कोरोना योद्धाओं को जिला अस्पताल के प्रेरणा श्री सभागार में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर ए एन प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये योद्धा कोल्ड चेन हैंडलर के तौर पर जनपद के कोल्ड चेन पॉइंट पर तैनात रहते हैं। कोविड टीकाकरण के दौरान टीके की गुणवत्ता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर ए एन प्रसाद ने बताया कि जनपद के कोल्ड चेन हैंडलर स्तरीय एक कार्यशाला जिसमें 50 लोगों को कोरोना वायरस के रूप में सम्मानित किया गया। ये वे लोग हैं पिछले कोविड के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके चलते कोविड वैक्सीनेशन को 100% कराने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी रखरखाव में ऊंचे स्तर पर कुछ कमियां थीं, आज के बाद से उस कमियों को दूर कर लिया जाएगा। इस अवसर पर यूनिसेफ के DMC डॉक्टर हसन फहीम, UNDP के पदाधिकारी राजीव रंजन और पवन कुमार सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर ए एन प्रसाद ने कहा, माइक ऑन कर लो। चलो राजी आइए। आज जनपद गोरखपुर न्यू CMO ऑफिस के प्रेरणा श्री सभागार में जनपद स्तरीय एक रियो कार्यशाला कोल्ड चेन हैंडलरों की कराई गई, जिसमें करीब 50 लोगों को कोरोना बैरियर के रूप में सम्मानित किया गया है। ये वो लोग हैं जो पिछले कोविड के दौरान अपनी महती भूमिका निभाए हैं, जिसके चलते हमने अपने कोविड के वैक्सीनेशन को 100% कराने में सक्षम हुए। उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन रख रखाव से संबंधित काफ़ी दिन पहले से ये प्रोग्राम तय था, एक रीओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रोग्राम का, जो कि आज संपन्न हुआ। और यहाँ से ये लोग नए सिरे से नई ऊर्जा लेकर कुछ नए आयाम जो इस कोविड पीरियड में RI के में वैक्सीन के रखरखाव में जो भूल गए थे जो जेहन से निकल चुका था, उसको आज ये लोग फिर से इस प्रशिक्षण के माध्यम से इन लोगों को रीओरिएंट कराया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जो भी कोल्ड चेन रखरखाव में थोड़ी बहुत हमारे कोल्ड चेन स्तर पर कुछ कमियाँ थी, आज के बाद से वो कमियों को दूर कर लिया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि अपनी कार्यों को सही और सही समय पर गुणवत्तापूर्वक निभाएंगे, जिससे कि हमारे जनपद की कोल्ड चेन की व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रूप से संपन्न हो।